पाकिस्तान क्रिकेट का उभरता हुआ सितारा मोहम्मद हुरैरा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 57 से जायद की औसत, 32 मैचेस में 2748 रन्स, लिस्ट ए के 15 मैचेस में 289 रन्स और T20 के 13 मैचेस में 276 रन्स। मोहम्मद हुरैरा साबिक कप्तान शुएब मलिक के भतीजे भी हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स के अंबार लगाने के बाद कौमी टीम में मौका मिलने के मुंतजर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी जर्नी रही है। आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स, माई टीचर्स, माई कोचेज और मैं स्पेशली यहाँ पे जब आपका अच्छा टाइम होता है तो आपके साथ सब लोग होते हैं। मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा हमारे जो सियालकोट के हेड कोच हैं साजिद भाई, क्योंकि इस साल मेरा इतना अच्छा सीज़न नहीं रहा था, तो लेकिन उन्होंने मुझ पर कॉन्फिडेंस शो किया, ट्रस्ट शो किया। उन्होंने मुझे जब मैं टीम से ड्रॉप हुआ उन्होंने मुझे बुलाया, मैं फिर से खेला और अल्लाह का शुक्र है परफॉर्म हुआ। फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू थैंक हनीफ भाई, हनीफ मलिक भाई, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इवन इन माई रफ एंड टफ टाइम्स, और वो हमेशा से करते आ रहे हैं अंडर 19 से। सो आई वुड लाइक टू ऑल्सो थैंक माई पेरेंट्स फॉर हैविंग माई बैक एवरी टाइम। चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है जब आप प्रोफेशनल क्रिकेट में आते हैं, तो आपका टाइम ज़्यादा लगता है, आपके जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपने पूरी करनी होती हैं, जिसे हम आजकल प्रोसेस का नाम देते हैं। बट मैं इस चीज़ को भी अपने प्रोसेस और चैलेंज समझता हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो कंटिन्यूइंग माई स्टडीज़ साथ साथ गेम के, तो आई जस्ट टेक इट एज अ चैलेंज और मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है अपने लिए, और आई थिंक यही वजह है कि जिसकी वजह से जो आपने कहा। मोहम्मद हुरैरा खेल के साथ पढ़ने के भी बेहद शौकीन है। मैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट से। आई वॉज ऑलवेज गुड विद नंबर्स, मैथ्स मेरा वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स रहा है, और मुझे जैसे मैंने कहा मुझे चैलेंजेस पसंद हैं, तो उसमें जब आप किसी इक्वेशन को प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वो बस एक वो चीज़ है कि मैं उसको भी एज अ चैलेंज लेता हूँ, और आई वॉज ऑलवेज गुड विद मैथ्स। मोहम्मद हुरैरा रवा साल दौरा श्रीलंका पर कौमी स्क्वाड में भी मुंतखब हुए, जहाँ उन्होंने कोई मैच तो नहीं खेला लेकिन तजर्बा ज़रूर हासिल किया। डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में फ़र्क है उससे कि ज़्यादातर फ़र्क होता है प्रेशर सिचुएशंस का, थोड़ी सी बॉलिंग अच्छी होती है, बॉलिंग का स्टैंडर्ड अच्छा होता है, प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा होता है बिकॉज आप इतने अब जिस तरह के हमारे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम है, आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, तो एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपसे, थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन आई थिंक उसमें आपको सिर्फ मेंटल टफनेस चाहिए होती है ज़्यादा, जो कि मैंने जब मैं गया तो मैंने देखा जिस तरह के हमारे सब स्टार्स हैं, बाबर भाई वगैरह के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया, उनका प्रोफेशनलिज्म, उनका माइंडसेट, उनके जिस तरह से वो प्रिपरेशन करते हैं, वियलाइज करते हैं मैचेस को कि अगर ये सिचुएशन मैच में होगी तो हम किस तरह से खेलेंगे, उनकी प्रिपरेशन, तो ये चीज़ का डिफरेंस था। मोहम्मद हुरैरा तीनों फॉर्मेट में मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक खुद को ढाल लिया। करियर को मैं किस तरह से रेट करता हूँ, तो मेरे लिए मेरी पर्सनल जो माइलस्टोन्स हैं वो जस्ट एक बाय प्रोडक्ट है, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे ये मैटर करता है कि मैं फील्डिंग में कुछ एक अच्छा कैच, एक अच्छा रन आउट या कुछ भी इस तरह का करूं जो मेरी टीम की विक्ट्री के अंदर एक पार्ट अदा करे, और इसी तरह से जब मेरे हाथ में बैटिंग आती है तो मेरा यही होता है कि मैं टीम के लिए, टीम को आई जस्ट मेक श्योर दैट वी जस्ट क्रॉस द लाइन, वी एज अ टीम जस्ट क्रॉस द लाइन। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जैसा कि मॉडर्न डे क्रिकेट है, आपको गेम को अपने वेरी करना पड़ता है, और मैंने भी इस पर काफ़ी काम कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। जो आपने फेवरेट शॉट का मुझे ऑन दी अप मारना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो रेड बॉल में हो चाहे वो वाइट बॉल में हो। मैं समझता हूँ कि जब आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं किसी भी एक फॉर्मेट के लिए, तो वो आप अपनी अबिलिटीज़ को और आप अपनी सारे माइंड को एक लिमिट में रख लेते हैं कि मैं सिर्फ ये वाला फॉर्मेट खेलूँगा। एंड आई जस्ट लाइक आई सेड दैट आई लव चैलेंजेस, तो मैंने इस चीज़ को भी एज अ चैलेंज लिया है कि हाउ कैन आई प्रोग्रेस माई गेम इनटू, हाउ कैन आई कन्वर्ट माई गेम फ्रॉम रेड बॉल टू वाइट बॉल, और उस पर मैंने काफ़ी प्रैक्टिस भी की है, कर भी रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। बट मेरा रिजल्ट से ज़्यादा मैटर नहीं करता, मेरे लिए सिर्फ ये मैटर करता है कि मैं अपने प्रोसेस पे रहूँ, और वो प्रोसेस का सारा मैं क्रेडिट देना चाहूँगा फिर से एक दफ़ा हनीफ भाई को, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया स्पेशली अपने गेम को कन्वर्ट करने में वाइट बॉल में। मोहम्मद हुरैरा अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से एक मैच भी खेल चुके हैं। मैं हर एक दिन को, हर एक सिचुएशन को एज अ अपॉर्चुनिटी लेता हूँ अपने आर्सेनल, जो अगर आपने बोला शॉट्स का आर्सेनल, उसको एक्सपैंड करने के लिए, अपनी गेम को एक्सपैंड करने के लिए, और एज एन एथलीट, एज ए प्रोफेशनल अपने आप को ग्रूम करने के लिए।
बिल्कुल जिस तरह से PSL में आपको पता है कि जिस तरह से बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर्स होते हैं, तो आपको स्कूप्स, रिवर्स स्कूप्स, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आजकल की, जिसे मॉडर्न डे क्रिकेट कहा जाता है। तो ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को लिमिट कर रहे हैं या आप अपनी एबिलिटीज़ पे पूरा खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश करता हूँ कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं टीम के लिए कुछ ऐसा पार्ट प्ले करूँ कि टीम जीते, और बस यही है, यही इंटेंट है, यही माइंडसेट है मेरा जिससे मैं खेल रहा हूँ।